माँ जब विदा कर रही है माताओं, तो विदा ने विदा करते हुए कहा, बेटी जाओ, कुल की मर्यादा रखना, अपने सास ससुर की सेवा करना और पति का कभी अपमान मत होने देना। पहली के माताओं जे कहती थी दद्दा के सम्मान करियो, और आजकल की मैया कहती बिटिया अगर सास ज्यादा मोह चलाए कुन्ना में जाए के पकड़ मौत मिल दियो। हां आजकल माताओं बहुत गड़बड़ है, हम नहीं कहते हैं, विद्वान कहता है बहुत गड़बड़ है। आजकल जब तक जो टेलीफोन चलो दद्दा बहुत गड़बड़ है, फोन चलो तब तक टॉर्च गाय, फोन चलो तब तक कैलकुलेटर गायब, फोन चलो तब तक मतलब टीवी सीडी का वो तो गायब। हां और जब से पतियन ने पत्नियन को फोन दो तब तक उनके पति खत्म। हां उनके पति को हो जाए फेसबुक और व्हाट्सएप इंस्टाग्राम। हां बिल्कुल। अब बताएं फोन जब शादी होते पहले ही फोन पकड़ाए दो या लली जा उमे शादी हो रही, उमे वीडियो कॉल पे बात हो रही, लड़ाई हो रही है, अम्मा घर पे देख रही है कि लली लड़ाई कर रही है, देखो सास के दो तीन धमक रही है, नेक पानी में डूब के मर जाओ। अगर बेटी को बिगाड़ने वाली है तो उनकी माँ, दादा मैं मंच के माध्यम से कह रहा हूँ, अगर बेटी को बिगाड़ने वाली है तो उसकी माँ। बेटी की शादी हो गई, टेलीफोन पहले लगो लली का कर रही, खाना खा लो, रोटी खा लो, पानी पी लो, अरे तुमसे ज्यादा तो उनको चिंता है, तो बूढ़ी सास माँ बैठी है उसे चिंता है कि मेरी बहू प्यासी है भूखी है, अबे तक लो ना तुमने पूरी खवाए पाए भवन में कुछ नहीं पूरी खाए नहीं। माताओं बहनों एक बात याद रखना, अपना अगर सम्मान चाहती हो तो अगर सम्मान चाहती हो तो बेटी की शादी के बाद बात करना, लेकिन उतनी करना सम्मानजनक जो तुम्हारा सम्मान हो सके। न तो जुए रहो आजकल वह बिटिया मार रही है सास की वीडियो कॉल पर देख रही है धमर कुट्टा खेल रहा है। मेरे कथा के प्रेमी सज्जनों आज बेटी की विदा हुई तो महाराज भोजराज कंस कहने लगा, बेटी जाओ